पटना छपरा सिवान हाईवे पर बुधवार सुबह बिहार पुलिस के जवानों को ले जा रही एक बस की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस के फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से बस में आग लग गई। हादसा देवरिया गांव के पास उस समय हुआ जब बाइक सवार 3 लोग पुलिस अधिकारियों को ले जा रही बस की चपेट में आ गए। बाइक सवारों में से एक बस के नीचे फंस गया और उसे 100 गज की दूरी तक घसीटा गया, जिसके बाद बस का ईंधन टैंक फट गया, जिससे बाइकर जिंदा जल गया। आग ही लपटों में घिरी बस के नीचे एक आदमी जलता रहा और पुलिस के जवान बस उसे उतरकर भागने लगे। किसी भी जवान ने युवक को बचाने का प्रयास नहीं किया। यह सारा हादसा कैमरे में कैद हो गया। बस सीताबड़िया में दिवंगत राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती समारोह से लौट रही थी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की थी। घटना छपरा जिले के रिविलगंज थाना अंतर्गत देवरिया गांव के समीप की है।